जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक नए फीचर्स को लेके जिसका नाम है क्विक क्वाटरो। दोस्तों ये बेहतरीन फीचर है, 11 चैलेंजर्स पे आया हुआ, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये फीचर्स क्या है, उससे पहले अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो किस बात की देरी है, फटाफट चले जाइए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि IPL में जो भी मैचेज होंगे, जो भी मेरे टीम बनेंगे फैंटेसी का या फिर क्रिक क्वाड्रो का या फिर दोस्तों कुबेरा हो, फिर जो भी मतलब हम टीम देंगे, सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाले हैं। अभी तक हम लोग यहाँ पे जो 11 चैलेंजेस पे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल, जो भी फॉर्मेट खेलते थे वो आपके सामने थे, स्पेशली क्रिकेट हम लोग खेलते थे। अभी हम बात करेंगे क्रिक, दोस्तों नाम इतना मतलब ये है ना, क्रिक क्वाड्रो को लेकर बात कर लेंगे कि ये फीचर्स आई क्या, ठीक है। और आपने अगर अभी तक 11 चैलेंजेस को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए जरूर, और आपको 11 चैलेंजेस का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, मैं आप लोग को 11 चैलेंजेस का लिंक दे दूंगा। और फर्स्ट दफ़ा जब भी आप डिपॉजिट कीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग 2000 से लेकर 7000 के बीच में डिपॉजिट कीजिएगा, आपको कोड यूज़ करना है 100 फर्स्ट, आपको 100% डिपॉजिट वहाँ पर बोनस मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर भी 10 लाख का लीडर बोर्ड भी आया है, तो वहाँ भी आपको अच्छे खासे मौका होंगे अच्छा खासा इनाम निकालने का, और लीडर बोर्ड को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखे हैं। तो आइए हम इस फीचर्स को अब देखते हैं, बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आपको दिखेंगे एक घंटा बाद एक मैच है यहाँ पे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का, इस मैच के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे करना क्या है, माई टीम्स पे जाने हैं, ठीक है। माई टीम्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट टीम करने हैं। क्रिएट टीम में क्या करना है, आपको विकेट कीपर में कोई भी एक प्लेयर ट्राई करने हैं यहाँ से, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई साहब आज के मैच में अच्छा पॉइंट दे सकता है। और ये आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइनअप आने के बाद आप लोग यहां पे जाके पिक करना। मान लो आपने कहीं पहले पिक कर लिया और वो प्लेयर खेला ही नहीं और आफ्टर लाइनअप आप चेंज नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए जब लाइनअप आ जाएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी इनमें से विकेट कीपर खेले इसमें कोई क्रेडिट का इशू नहीं है, चार आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर ट्राई कर लेने हैं, क्लैशेस चांसेस भी आपको ना के बराबर यहां पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन प्लेयर में से जैसे कि मान लो मुझे लगता है कि आज के मैच में मुशफिकुर रहीम या फिर क्विंटन डिकॉक या आपको दिखेंगे लिप्टन दास, इन तीन में से आप यहाँ पे कैले को भी रख सकते हो, चार में से जो भी लगे कि अच्छा पॉइंट दे सकते हो आप लोग उनको यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ से ऐसा नहीं कि दूसरा प्लेयर आप ट्राई कर लोगे, आप मैक्सिमम एक ही प्लेयर यहाँ से ले सकते हो। सेम आप बैटिंग में जाओगे आपको टोटल बैट्समैन मिल जाएंगे, इनमें से किसी एक बैट्समैन को आपको यहाँ से ट्राई करने हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, विकेट कीपर से एक आपको लेने हैं, बैटर से एक लेने हैं, ऑलराउंडर से एक लेने हैं और बॉलिंग से एक लेने हैं। सभी का 10-10 क्रेडिट है और दोस्तों 40 क्रेडिट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो क्रेडिट का तो कोई लोचा ही नहीं है। तो बैटिंग सेक्शन से जैसे कि मैंने यहाँ पर चलो अपने टीम में लिया है किसको, यहाँ से मैं ट्रैक कर लेता हूँ, चले गए यहाँ पे जानेमन मलान को, ठीक है। इसके बाद आइए ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे आपको कौन लगता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट गेटर बन सकता है आज के मैच में, अगर आपको लगता है कि यहाँ से पर्नेल बन सकता है तो उसको ट्राई कीजिए, मेहदी हसन मिराज बन सकता है उसको ले लीजिए, मैंने यहाँ से शकीब अल हसन को लिया कि मुझे लगता है कि आज के मैच में ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मान लो कि आपके अपोनेंट जो है यहाँ से मेहदी हसन मिराज को लेकर आ गए तो आप हार ही जाओगे, एक प्लेयर से आप यहाँ पे हारने जीतने वाले नहीं हो, चारों प्लेयर के बाद जो उनका पॉइंट्स बनेगा और आपका पॉइंट बनेगा वो आपका लूजिंग और विनिंग तय करने वाला है। अब आइए बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग में आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से जो है किसको लेना चाहते हो, यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर तीन प्लेयर या चार प्लेयर या दो प्लेयर एक ही टीम का लेना, आपको जिस टीम का जितना प्लेयर मन करे ट्राई करने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कगिसो रबाडा यहाँ पर सबसे बेस्ट पिक बन सकते हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो, या फिर आपको लगे यहाँ से मुस्तफिजुर रहमान को लेके, जिसको लेके लगे आपको, लुंगी यंगडी को लेके लगे, तपड़े शमसी को लेके लगे, तो आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कगिसो रबाडा को ट्राई किया हुआ है। अब देखिए मैंने किस स्टार को ट्राई किया, मैंने विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक को लिया है, बैटिंग में जानेमन मलान को, ऑलराउंडर से शकीब अल हसन को और बॉलिंग से कगिसो रबाडा को। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेने हैं। अब बात आती है कैप्टन बीसी को लेके, ये मुझे सबसे यहाँ पे यूनिक और बेहतरीन लगा है कि ऐसा नहीं कि आप चार प्लेयर जो ले लिए, मान लो कि यहाँ से जानेमन मलान ने दे दिया दोस्तों 125 पॉइंट्स और मैंने इसको मिस कर दिया तो मेरे पास तो बैकअप कोई बचेगा ही नहीं, तो उनका जो कैप्टन बीसी होगा उससे अलग अगर अपना कैप्टन बीसी हो जाए और वो क्लिक कर जाए, तब जाने मलान के जगह पे अगर आपके अपोनेंट्स किसी और को भी लेके आता है वो सेंचुरी कर देता है तो आप उसका भी मैनेज वहाँ पर कर लोगे आराम से। तो कैप्टन बीसी हमेशा आप लोग सोच समझ के पिक कीजिएगा। जैसे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कैप्टन देते हैं शकीब को और बीसी देते हैं यहाँ से क्विंटन डिकॉक को, इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये अपना टीम बन गया, 3-1 का कॉम्बिनेशन है, आप 4-0 रख सकते हो,
दो दो रख सकते हो, दो एक रख सकते हो। इसके बाद आपके सामने कंटेस्ट होंगे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे व्यू ऑल करना है तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, आपको दिख जाएंगे सारे कंटेस्ट। यहाँ पे तो दो ही कंटेस्ट हैं, और भी अगर रहेंगे तो और भी आपको दिख जाएंगे। जो भी कंटेस्ट आपको खेलना हो आप लोग यहाँ पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हो, और भी कंटेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे हेड टू हेड वाला कंटेस्ट। हेड टू हेड में आपको देखिए कितना कम चार्जेस ले रही है कंपनी, सिर्फ 5197 ले रही है, और इसी के लिए दूसरा कंपनी 5750 ले रही है। आप नाम जरूर सुने होंगे दोस्तों 11 का, कौन सा 11, जिसके लिए आप लोग सोते नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। तो नीचे आपको दिखेंगे और भी ऐसे पैक जहाँ पे आपको कंपनी बहुत कम चार्ज ले रही है। देखिए एक तो 1089 रुपये सिर्फ चार्जेस ले रही है, वहाँ भी 4% बोनस भी आपका यूज हो जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो ये आपके कंटेस्ट 1043 में ही हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो आप इसमें हेड टू हेड को टारगेट करना चाहते हो आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास क्रिकेट का नॉलेज ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत भी आप, मैं मानता हूँ कि 45-50% भी होगा, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट निकाल के चल सकते हो। इसी जोन में आपको नीचे देखेंगे विनर टेक्स ऑल, तो यहाँ पे भी आप जाके जो है व्यू ऑल पे क्लिक करना और आपके सामने सारे कंटेस्ट खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3496 रुपीज़ ले रहा है ये, और दूसरा एप्लीकेशन 3850 रुपीज़ ले रहा है। तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे आप 350 रुपीज़ के प्लस में बचा लेते हो, तो क्यों नहीं यहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट मारोगे, ठीक है ना। तो देखिए नीचे आने के बाद आपको दिखेंगे सारे कंटेस्ट, इसमें से आपको जो भी कंटेस्ट मन करे वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस फीचर्स में 4 मेंबर भी खेल सकते हो। मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया कि 4 मेंबर से दूरी बनाकर रखना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप 4 मेंबर भी अटेम्प्ट मार सकते हो। रीजन, अगर आपने एक डिफेंशियल प्लेयर को लिया हुआ है और वो 70-75 कर देता है, और प्लस आपके कैप्टन भी थोड़ा सा बेहतर हो, तो आप हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर सभी जगह क्लिक करवा लोगे। तो ये यहाँ पे ऐसा है। टीम वाले में क्या होता है कि मान के चलो आपने अच्छा भी टीम बनाया 4 मेंबर में, वहाँ भी रिस्की होता है कि आपने जिसको छोड़ा है या फिर जिसको लिया भी है, अपोनेंट कुछ ना कुछ ऐसा कॉल ले लेता है जो आपके लिए दिक्कतें खड़ी वहाँ कर देगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग जरूर, मैं समझता हूं कि हर एक फीचर्स को समझ गए होंगे। नीचे आने पे के बाद आपको सेफ कंटेस्ट भी दिखेंगे। आपको अगर बिल्कुल सेफ खेलना है तो सेफ कंटेस्ट आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको मोर कंटेस्ट भी दिखेंगे और प्रैक्टिस कंटेस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस एप्लीकेशन की एक और खासियत है कि आप अगर मान लो कि 4 मेंबर कंटेस्ट खेले, ठीक है, किसी रीजन बस उसमें 3 ही मेंबर ज्वाइन हुआ, तो वो लीग कैंसिल नहीं होगा, उसको 3 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये यहाँ की सबसे बेहतरीन खासियत है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि ये जो फीचर्स आया है नया क्रिक क्वाड्रो करके 11 चैलेंजेस पे, ये आपको कैसा लगा। सच बताऊं तो मुझे बेहतरीन लगा है, और मैं इससे IPL में तगड़े प्रॉफिट करने वाला हूं। अगर आप लोग को भी ये बेहतर लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई फीचर्स किसी भी एप्लीकेशन पे आता है तो मैं आप लोग को उसका अपडेट्स टेलीग्राम पे दे दूंगा। IPL से पहले मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किस एप्लीकेशन पर जाके खेलो, आपको खुद जहाँ मन करे वहाँ पे जाके खेलिए। जहाँ मुझे जो फीचर्स बेहतर लगेंगे वो मैं आप लोग को बताऊँगा, उसके बाद आपको डिसाइड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्रिक क्वाड्रो दिख जाएंगे, आपको दिख जाएंगे कुबेरा पे, आपको दिखेंगे डियो और क्विंटो वाला सेक्शन, फिर आपको दिखेंगे एक्सेंस 22 पे बायसेल मल्टीवेगर का सेक्शन। तो मेरा काम आपको समझाना, नया फीचर्स जो भी आएंगे किसी भी एप्लीकेशन पर वो मैं समझाऊँगा। आपको खेलना है या नहीं खेलना है ये आपको खुद से पूछ के तय करने हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, जो हाई इन्वेस्टर हो और मीडियम इन्वेस्टर हो, वो ये जरूर देखना कि कंपनी जो है वो चार्जेस कितना पे आउट कर रही है। अगर ज्यादा कमीशन लेती है तो वहां पे आप लोग ना ज्यादा खेलो तो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी पैसा आपका है, आपको जहां खेलने का मन करे खेलिए, जहां नहीं खेलने का मन करे नहीं खेलिए। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और लास्ट का जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा टेलीग्राम पे कुछ मिनटों के बाद क्रिक क्वेड्रा का, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ देर के बाद पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन को।